नमस्कार दोस्तों, इस तरह की पढ़ाई करके बिहार से बहुत सारे बच्चे रेलवे एसएससी में सिलेक्ट होते हैं। मैं महाराष्ट्र में 4 साल रहा, इस तरह का पढ़ाई का स्ट्रेटजी मैं नहीं देखा। 4 साल के बाद मैं अभी आंध्र प्रदेश में हूँ। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा कहीं देखने के लिए मिलता नहीं है। आज मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, किस तरह से आप भी इस तरह की पढ़ाई करके रेलवे में या एसएससी में या बैंकिंग में जा सकते हैं। यह वीडियो दोस्तों मैं स्पेशल डिमांड पे बना रहा हूँ। हरियाणा के हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने इस वीडियो का डिमांड किया है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं इस तरह के ग्रुप बनाने के बाद कुछ नियम के बारे में। बाकी आप जब स्टार्ट कर देंगे तो आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इस तरह का ग्रुप बनाने का। क्योंकि दोस्तों मैं भी इसी तरह का ग्रुप में पढ़ाई करके आज सिलेक्टेड हूँ टेक्नीशियन 3 में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इसके नियम के बारे में। दोस्तों इस तरह का ग्रुप शुरू करने से पहले आपके पास कम से कम 2 मित्र होने चाहिए, आप और एक और होना चाहिए। कम से कम 2 आदमी मिलके इस तरह का ग्रुप बना सकता है और पढ़ाई कर सकता है, 2 से कितना भी अधिक हो सकता है। आप मान लीजिए ALP का तैयारी कर रहे हैं, मैं ALP का ही उदाहरण लेके चलता हूँ, ALP या टेक्नीशियन। मेरे पास एक पुरानी किताब है टेक्नीशियन का, इसी का मैं उदाहरण देता हूँ। जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसका आप प्रैक्टिस सेट खरीदिए। बाज़ार में न्यू किताबें आती रहती है, जब जब वैकेंसी आती है, तो उस तरह से उस किताब को आप खरीद के कोई भी शुरू से आप प्रैक्टिस सेट है उसको आप प्रिंट करा लीजिए, कहीं भी दुकान पे प्रिंट करा लीजिए। यदि आपके पास प्रिंट करने का साधन है तो आप खुद से प्रिंट कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट आप डेली प्रिंट कीजिए। उस प्रैक्टिस सेट को प्रिंट करने के बाद, मान लीजिए इसका मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे सामने एक आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा प्रिंट करा लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट को प्रिंट कराने के बाद आप जितने भी लोग हैं उतना ही प्रिंट कराइएगा। आप कहीं भी जगह चुन सकते हैं, वह जगह कोई भी हो सकता है, आपके आसपास गार्डन भी हो सकता है, कोई खाली फील्ड हो सकता है, कहीं भी, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे शांति होना चाहिए। इस एक प्रैक्टिस सेट का आप समय रखिए, मान लीजिए 100 नंबर का यदि आपका प्रैक्टिस सेट है तो उसके लिए आप 1 घंटा रखिए। क्योंकि जब यहाँ आप कम समय रखेंगे तो जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग डेवलप रहेगा और वहाँ पे आप अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आप कम समय रखेंगे तभी आपका स्पीड बनेगा। तो 1 घंटे में आप लोगों को उस 100 नंबर के प्रैक्टिस सेट को बना लेना है। बनाने के बाद किस तरह से चेक करना है अब मैं बताता हूँ। यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को बनाते समय आपको गोलाकार में घेरना है, इसे समझिए ऐसे गोल करना है। वैसे तो अब ऑनलाइन हो रहा है, अब गोलाकार की जरूरत नहीं है। अब चेक करते समय कैसे चेक करना है मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर आंसर में देखिए, इधर आंसर क्या है, आंसर पीछे रहता है इसका, 1 का एप्पल, और यदि बी है तो बॉल, सी है तो कैट, डी है तो डॉग। यदि आप 1 का बी बोलते हैं तो आपके ग्रुप में से कोई चिल्लाएगा, कहेगा कि डी, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, बी और डी में कंफ्यूज हो जाएगा। जब डी बोलिएगा तो कहेगा बी, इसलिए ए ऑप्शन है, एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, इस तरह से आप बोल सकते हैं। 2 का एप्पल इस तरह से सही कीजिए, 2 का कैट, 3 का कैट, ये गलत है तो गलत ऐसे कीजिए, मार्किंग कीजिए, ऐसे कट कर दीजिए। और अगर कहीं पे कुछ नहीं लिखा है, कोई भी मान लीजिए नहीं टिक मारा हुआ है, तो ऐसे कर दीजिए, डबल लाइन कर दीजिए। सभी क्वेश्चंस को चेक करने के बाद आप काउंट करके लिखिए, यानी राइट कितना है, मान लीजिए 6 है, ठीक, और गलत कितना हुआ है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 3 है, तो टोटल कितना होगा। तो 3 नंबर पे आप 1 नंबर सही में से निकाल दीजिए, वही टोटल हो जाएगा, यानी इसमें ये 5 नंबर हो जाएगा, आपका टोटल 5 नंबर आया। इस तरह से आप
चेक कर सकते हैं। और चेक करने के लिए प्रैक्टिस सेट एक दूसरे को दे दीजिए, खुद से अपना प्रैक्टिस सेट चेक नहीं करना है, एक दूसरे को ही देना है। इसके अलावा दोस्तों आप एक सिलेबस तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए इस लूसेंट किताब का सिलेबस तैयार करना है, तो एक महीना का आप एक बार सिलेबस तैयार कीजिए कि एक नंबर से लेके तीन पेज तक पढ़ के आना है उस तारीख में, और उस तीन पेज के अंदर कोई एक आदमी आपके ग्रुप से ही क्वेश्चन सेट करके लाएगा। आप लोग हर दिन उसका दे दीजिए, बारी बारी से सब कोई प्रैक्टिस सेट को छपवाएगा और यह क्वेश्चन सेट करा के लेके आएगा, यदि आपको इसका तैयारी करना है तब। इसके अलावा दोस्तों मैं एक दो और किताब आपको बता देता हूँ, मैंने घर पे पढ़ने के लिए आप आर.एस. अग्रवाल का मैथ पढ़ सकते हैं, उसके बाद स्पीडी पढ़ सकते हैं, GKGS स्पीडी आता है वो भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपके बहुत ही काम आएगा। जब आप शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपको इसके बारे में पता लगता जाएगा और क्या क्या नियम बनाने हैं वो सभी आप सीखते जाएंगे। जब आप एक बार शुरू कर देंगे तो आप सीखते ही जाएंगे। इसलिए आज से ही आप कहीं भी हो, अपने गांव से हो, शहर से हो, कहीं भी हो, आप इस तरह का ग्रुप बनाइए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप जो बनना चाहते हैं। और हाँ, यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट का ही प्रैक्टिस सेट आप बनाइएगा। जो भी आप बनना चाहते हैं, जिसका आप तैयारी करना चाहते हैं, वहीं आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। दोस्तों इसके बारे में और कोई आपके सामने डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे इस पर और भी डिटेल्स में बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।